17 लाख की लागत से दुर्ग के वार्ड 34 में ढीमर सामुदायिक भवन में यूरिनल का निर्माण कार्य व सीमेंट सड़क का विधायक एवं महापौर ने किया भूमि पूजन। इस अवसर पर समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित। दुर्ग के वार्ड 34 में ढीमर समाज के सामुदायिक भवन का भूमि पूजन विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल ने वार्ड पार्षद एवं नागरिकों के बीच विधि विधान से पूजा अर्चना कर 10 लाख से सीमेंटीकरण कार्य, 5 लाख की लागत से निर्मित ढीमर सामुदायिक भवन, भवन परिसर में 2 लाख से मूत्रालय निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर विधायक एवं महापौर ने कहा कि नागरिकों द्वारा सामुदायिक भवन की मांग थी, जिसे पूरा करते हुए हमने ढीमर समाज उपक्षेत्र दुर्ग शहर वार्ड क्रमांक 34 के ढीमर समाज जनों के साथ सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। विधायक व समाज के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जो सामाजिक भवन है सर्व समाज के, उसके लिए भी राज्य शासन के माध्यम से और विधायक निधि के माध्यम से, महापौर निधि या पार्षद निधि के माध्यम से राशि स्वीकृत की जा रही है। यहाँ पर आज हमने हमारे सर्व ढीमर समाज के भवन का भूमि पूजन किया। लगभग 10 लाख रुपए की लागत से विधायक निधि से बनेगा, 5 लाख रुपए महापौर जी ने दिया है और कितने का तक दिया? 2 लाख। 2 लाख रुपए हमारे एल्डरमैन निधि से ये शौचालय का निर्माण होगा। इस तरीके से हर समाज के भवन का निर्माण, चाहे वह मानिकपुरी समाज हो, कंडरा समाज हो, बावन समाज हो, साहू समाज हो, यादव समाज हो, सभी समाज के लिए हमारे छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद और उसके पूर्व में सांसद मोतीलाल वोरा जी की निधि से सारे भवनों के निर्माण, सड़क नाली बिजली पानी के कार्य संपादित हुआ है और यह अनवरत रूप से जारी रहेगा। सभी समाज के साथ के भवनों का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया है और मुझे कहने में खुशी है कि दुर्ग शहर का जो विकास हो रहा है, लगभग आपने देखा होगा कि जो दुर्ग की सड़क बन रही है, चौड़ीकरण हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गए थे। हमारी सरकार बनने के बाद हमारे मुखिया भूपेश बघेल जी से हमने मांग की, समाज की तरफ से भैया हम लोग 20 लाख की बोले थे हमको कि 20 लाख भवन बनाने के देंगे करके, तो अभी घोषणा करके गए हैं कि 10 लाख रुपए अभी देंगे करके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।